दोस्तों, ग्लेशियर के पिघलने से दो हमारे बड़े लैंडफॉर्म बनते हैं, उनकी बात आज हम करने वाले हैं, सर्क और हॉर्न। सर्क आप इमेजिन करो कि कोई ग्लेशियर बड़ा सा है। अब ग्लेशियर तो यार सॉलिड होगा ना, जब ये मूव करेगा कहीं से तो नीचे गड्ढा कर देगा। अब इस गड्ढे को ही हम बोल देते हैं सर्क, और कभी अगर इस गड्ढे में पानी भर जाए तो इसका हम नाम दे देते हैं सर्क लेक या टॉर्न लेक। ये गड्ढा बहुत हमारा लॉन्ग हो सकता है, वाइड हो सकता है, और अगर ये गड्ढा हमारा ऐसे ही तीन तरफ से, मान लो कोई पहाड़ था, अब उसमें ग्लेशियर भरा हुआ था, तीन तरफ से अगर वो इरोड हो जाए तो बीच में जो पहाड़ था वो बेचारा अकेले बचेगा, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट, राइट? इसी को बोलते हैं हम हॉर्न। तभी आपने एक नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड में, मैटरहॉर्न। कैसे बना होगा? ऐसे ही बना होगा। और यूपीएससी आपसे पूछ लेगा इन दोनों के नाम कि ये बनते किससे हैं। ग्लेशियर से बनते हैं।